द रिस्मिक मिक्सचर ऑफ एलेनिन, ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को ध्यान होगा, शायद मैंने बोला भी था कि जब हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं वहाँ पे। तो जब हम लोग एक कायरल सेंटर वाले सबसे छोटे अमीनो एसिड की बात करते हैं तो एलेनिन निकल के आता है। कैन बी रिजॉल्व बाई यूजिंग, तो नोट्स में एक पॉइंट लिखाया था कि हम लोग किसी भी कंपाउंड में जब इनैंशियोमर्स हैं उसको सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इन जनरल रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, और जो रिजोल्यूशन प्रोसेस वाला पार्ट है उसको कंसिडर करते वक्त हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि रिजोल्यूशन के टाइम पे हम लोग किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ इस पार्टिकुलर रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे। तो जब भी ये कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग किसी दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कराएंगे तभी जा करके इसको हम लोग या इसके इनैंशियोमर वाले पार्ट को सेपरेट कर पाएंगे, मतलब रिजोल्यूशन कर पाएंगे या फिर रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली प्लस टू ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा पाएंगे। एल टू ब्यूटेनोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस टू ब्यूटेनॉल। तो जब हम लोग प्लस माइनस टू ब्यूटेनॉल यूज़ करेंगे मतलब बेसिकली एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, यहाँ से सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। डी एल मिक्सचर मतलब एक हम लोग इनैंशियोमरिक मिक्सचर के साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक पार्टिकुलरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ जब हम लोग इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होने की वजह से इसके दो इनेंशियमर्स अलग अलग रेट से रिएक्शन करके सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। इसका मतलब वन एंड टू ओनली अपना आंसर कंसिडर किया जा सकता है।